गैजेट टीवी। सोनाक्षी का गोरा रंग और आकर्षक नए नक्श तो सबको लुभाता ही था, साथ ही उसकी शर्माने की अदा भी निराली थी जो हर किसी को लुभा लेती थी। जब वो मुस्कुराते हुए सामने वाले को अपनी तिरछी नजर से देखती थी तो सामने वाले के दिल पर गाज गिर जाती थी और वो होश खो बैठता था। सोनाक्षी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरनी का काम करने आती थी और अन्य सबसे अलग थी, ना किसी से ज्यादा बात करती थी और ना ही कभी हंसती खिलखिलाती दिखाई देती थी। दिनेश कई साल से ठेकेदारी कर रहा था और उसने सैकड़ों मजदूर लड़कियां देखी थी, मगर ये सोनाक्षी तो सबसे अलग थी, इसीलिए दिनेश के मन को बहुत भा गई थी। ए सोना, जरा एक बार ऑफिस में आना। आपने सोना किसको कहा ठेकेदार जी? तुमको। तुमको मैं सोनाक्षी नहीं, सोना ही कहता हूँ, समझी? जी, समझ गई। इस तरह ठेकेदार के बुलाने पर सोनाक्षी उसके ऑफिस में चली जाती है। और फिर? सोना, तुमसे एक बात कहनी थी। जी कहिए ठेकेदार जी। क्या तुम मेरे फ्लैट पर आकर मेरे लिए खाना बनाने का काम कर सकती हो? मैं इसके लिए तुम्हें अलग से पैसे दूंगा। पैसे दोगे तो आज शाम से आ जाऊंगी। फिर जैसे ही शाम को सब मजदूरों की छुट्टी होती है, सोनाक्षी नहा धोकर कपड़े बदलती है और फिर दिनेश के फ्लैट पर पहुंच जाती है। सोना, तुम बहुत प्यारी लड़की हो, तुम कुवारी तो हो ना? जी जी, मैं तो शुद्ध देसी घी के माफिक कुवारी हूँ। मेरे शरीर पर भले चिथड़े हो साहब, पर देह को अब तक हवा भी नहीं छू पाई है। फिर तो बहुत अच्छी बात है सोना। इस तरह अब रोज सुबह शाम सोनाक्षी दिनेश का खाना बनाने के लिए उसके फ्लैट पर आने लगती है और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बेहद निकट आ जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो दिनेश सोना का आदि सा होता जाता है और सोनाक्षी का ज्यादातर समय दिनेश के फ्लैट पर ही बीतने लगता है। अब सोनाक्षी उससे किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठने का धंधा भी शुरू कर देती है। सोना, तुम मुझे जो देती हो उसके सामने पैसा क्या चीज है? तुम्हें जब जितना पैसा चाहिए मांग लिया करो। दिनेश, बस मेरा काम चला दिया करो, मुझे ज्यादा का लालच नहीं है। जब तक तुम मेरा काम चलाओगी तुम्हारा काम भी चलता रहेगा। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन दिनेश की पत्नी आ जाती है और उसे शिकायत करते हुए कहती है, क्यों जी, इस बार तो आप मुझे भूल ही गए थे। पूरे 3 महीने तुम्हारे आने का इंतजार करके मुझे ही यहाँ आना पड़ा है। क्या करता आशा, काम ही इतना था कि देरी हो गई। कहीं गलत लाइन तो नहीं पकड़ ली है? देख लेना जी, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। तुम भी कैसी बातें करती हो आशा, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आशा के आ जाने से दिनेश और सोनाक्षी के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। जहां पहले वो रोज मिलते थे, अब हफ्ते 10 दिन में भी मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर सोनाक्षी की नजर हमेशा दिनेश पर ही टिकी रहती थी। एक दिन दिनेश अपने ऑफिस में अकेला बैठा था कि तभी, कैसे हो ठेकेदार साहब, मुझ कुंवारी कन्या का तो आपने बिल्कुल ही ख्याल रखना छोड़ दिया। सोना, कुछ समझा करो, जब तक मेरी पत्नी यहाँ है तब तक हम मिल नहीं सकते। हम नहीं मिल सकते तो क्या, मुझे पैसे तो मिल सकते हैं ना? कल 10,000 चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे। उस दिन दिनेश को सोनाक्षी के बोलने का लहजा कुछ अजीब सा लगता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। पहले सोना को जब भी पैसे लेने होते थे ये बड़े प्यार से मांगती थी, पर आज तो ऐसे मांग रही थी कि जैसे मुझे इसका कर्ज देना हो। लगता है कि इसके चरित्र में जरूर कोई झोल है जिसे मैं समझ नहीं पाया। दिनेश उसके बारे में जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही निकला।
क्योंकि उन 10,000 के बाद तो वो हर 10-15 दिन में उसे पैसे मांगना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसे ब्लैकमेल भी करने लगती है। सोना, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? लगता है तुम वो सब पैसे के लिए कर रही थी। तुम कुछ भी समझ लो दिनेश, पर पैसा तो मैं लूंगी। कुंवारी देह का मांस नोचने की कीमत तो तुम्हें अदा करनी ही पड़ेगी। अगर मैं अदा ना कर पाऊँ तो तुम जेल जाओगे और अपनी पत्नी से कभी नजर नहीं मिला पाओगे, समझे? सोनाक्षी की इस धमकी से दिनेश बहुत अधिक डर जाता है। और फिर देखो सोनाक्षी, तुम्हें जितना पैसा लेना है एक बार में ले लो और हमेशा के लिए मेरा पिंड छोड़ दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम मुझे 10,00,000 दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ से काम छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें कहीं दिखाई भी नहीं दूंगी। दिनेश उसकी शर्त को मान लेता है और पैसों का इंतजाम करके उसे पैसे देने की तैयारी में लग जाता है। मगर तभी एक दिन आशा कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे मिलने के लिए आती है तो उसकी नजर सोनाक्षी पर पड़ जाती है। क्यों जी, ये सोनाक्षी यहाँ क्या कर रही है? इसके बारे में कुछ जानते भी हो कि ये कौन है? ये सुनकर तो दिनेश चौंक ही जाता है। तुम इसे कैसे जानती हो आशा? इसीलिए जानती हूँ क्योंकि ये फ्रॉड, कमीनी, आवारा हमारे ही गांव से है। ये कुंवारी लड़की बनकर लोगों को अपने जाल में फांसती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा वसूल करती है। तो क्या ये कुंवारी लड़की नहीं है? नहीं जी, ये शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। अपने खसम के साथ मिलकर ऐसा गंदा काम करती है। इस तरह ऐन वक्त पर सोनाक्षी की पोल खुलने से दिनेश का लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाता है। वो उसे 10,00,000 देने के बजाय आशा को ही अपनी सारी सच्चाई बयान कर देता है। आशा, तुम्हें क्या बताऊं? इस औरत ने तो मुझे भी अपने जाल में फांस लिया था। अगर तुम्हें आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आज ये मुझसे 10,00,000 लेकर गोल गई होती। दिनेश की ये बात सुनकर आशा के मन को गहरी ठेस पहुँचती है, मगर वो समझदार थी इसीलिए इसे दिनेश की भूल या बेवकूफी समझकर सहन कर जाती है और फिर सोनाक्षी को सबक सिखाने की सोचती है। मगर इससे पहले ही सोनाक्षी वहाँ से गायब मिलती है और फिर कभी दिनेश से संपर्क साधने की कोशिश ही नहीं करती।